दोनों कोटिंग से ही मैंने यहाँ ऐसे प्रयास किया कि पूरा स्क्रिप्ट कर वो चंबल संभाग का था मुरैना में, शिवपुर से भी हम यहाँ पर लेके आए और इस तरह का पूरा उसको इकट्ठा करने के बाद मैंने यहाँ सबको प्रदर्शित करवाया और ज़िले के विभिन्न स्थानों का यहाँ पर इस तरह का पूरा प्रदर्शित किया और यहाँ जाऊँ। उसके बाद कहा यहाँ पर एक छोटी जगह थी पुरातत्व संग्रहालय को लेने के लिए, तो धीरे धीरे मेरा एक सोच थी कि यहाँ पर एक चंबल संभाग के मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय हो जिसमें यहाँ के पुरातत्व के सभी स्थल के लिए आदि का अति समावेश होकर उनको प्रदर्शित किया जा सके। इसी तारतम्य में हमने यहाँ पर इस जगह को जहाँ पर एक पुराना म्यूजियम था उसको छोड़वा कर और यहाँ की धीरे धीरे जगह को विस्तारित किया जिसमें बगल से ईका बंगला, सीएमओ बंगले, कुछ क्वार्टर, सामने 10 दुकानें थी, पीछे पीएचसी का वापस थी, उन सबको शासन के द्वारा स्वीकृत कराकर उनको हटाया और इसको एक विस्तृत रूप दिया जिसमें वर्तमान सांसद वर्तमान और ग्वालियर के वर्तमान सांसद हैं उसमें तत्कालीन सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर और वर्तमान मंत्री ग्रामीण विकास माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर से मेरा विचार विमर्श हुआ और उनके द्वारा इसको मूर्त रूप दिया गया जिसमें कई जगह से राशि से लेकर इस भव्य इमारत का निर्माण किया गया और इसमें चंबल के ज़्यादातर लोग शहीद हुए थे और यहाँ के लोग अधिकांश है बाहर चेक पोस्टों पे और मिलिट्री में आर्मी में सब जगह हैं उनके उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक कारगिल का मॉडल भी बनवाया जिसमें झंडा उठाते हुए कारगिल की चोटी पर फहराया जा रहा है और इस पर हमने जितने भी अपने यहाँ के शहीद हुए उनके पर उनके लोगों का यहाँ पर हमने पूरा मरणोपरांत चाहे उनको पदक मिला हो या किसी भी तरह का कोई पदक मिला हो उसमें हमने इस तरह की एक सूची बंद किया है और उनके फोटोग्राफ भी हमने यहाँ पर लगाए। इसी तरह से यहाँ पर पूरे स्कल्पचर को पूरे क्षेत्र में पूरा जगह जगह घोषित किया है, प्राचीन रेल का इंजन है चाहे और भी कोई कलाकृतियाँ हैं, स्थानीय लोगों को यहाँ हमने प्रोत्साहित किया है जिसका एक हमने शो खोला है उसमें यहाँ के स्थानीय शहर स्थानीय गजक और जो यहाँ के कुछ पत्थर के स्टोन के कारीगर हैं और यहाँ पर जो अपने मिताबली पढ़ावली आदि के कुछ सीनरी हैं वो भी यहाँ के बनवाई हैं जिससे कि स्थानीय लोगों को इसका खुद को लाभ मिल सके और अच्छा वो हो। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर एक ओपन थिएटर का भी निर्माण करवाया। ओपन थिएटर में यहाँ पर यहाँ के स्थानीय कलाकार और एक चंबल के ऊपर कुछ पिक्चर भी बनवाई हैं वो यहाँ पर प्रारंभ होंगी और उनको दिखाया जाएगा। इस तरह का हमारा ये पूरी परिकल्पना है जिसमें हमने इस अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिश्मिल पुरातत्व संग्रहालय को मूर्त रूप दिया है और उसको अभी और आगे ले जाएंगे और इसमें विभिन्न तरह के कलाकृतियाँ और संस्कृति संबंधित जो भी हो रहेगा उनको हम समावेश करेंगे और पब्लिक के लिए पर्यटकों के लिए इसको खोला जा खोल तो यही है और लोग पर्यटक आ भी रहें और इसका पूरा आनंद लेंगे जिससे जो व्यक्ति चंबल संभाग को 3 दिन में नहीं घूम पाएगा लेकिन वो यदि आधा घंटा एक घंटा भी हमारे इस म्यूजियम में दे देता है तो उसको चंबल का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा कि ये चंबल संभाग में ये तरह की पुरा संपदा बिखरी है, ये पुरा संपदा के किले हैं।
में जैसे महाराजा शांतनु का नगर का जिक्र आपने किया था और कई टीवी चैनलों के उसमें भी आपने जिक्र किया है, तो बूढ़ा चंबल के बारे में अभी संग्रहालय में तो जानकारी नहीं आई, तो आप अपनी तरफ से उसमें बता दें कि क्या बूढ़ा चंबल में क्या क्या पाया गया, शांतनु जी का क्या क्या है और वहाँ से कुछ यहाँ क्या कुछ अवशेष लाया गया है, प्रस्तर या लाया जाएगा कभी, या क्या योजना है, या पूरी कहानी क्या है बूढ़ा चंबल वाली। आज से कुछ वर्ष पहले बूढ़ा जी चंबल एक बूढ़े के नाम से जाना जाता था। जी जहाँ पर कुछ दिनों पहले गोल्डन ब्रिक्स सोने की ईंटें निकली, जो जिसकी जांच के लिए हम अपनी टीम के साथ बूढ़ा चंबल गए। तो किस प्रकार से निकली? वो क्या एक किला है राजा शांतनु का नगर, जब हमने देखा उसको तो हाँ वो राजा शांतनु महाभारत कालीन राजा शांतनु का नगर था, जी और महाभारत कालीन राजा शांतनु तो वहाँ पर अपनी रानी सत्यवती के साथ जी उस मंदिर में नौका विहार करते थे, उस महल में रहते थे। उसमें जब देखा कि चंबल नदी ऊपर से बह रही थी और चंबल नदी बहते बहते उसमें इतना हुआ कि काफ़ी उसका ध्वस्त हो गई और वो किला ध्वस्त हो गया। उसके बाद चंबल नदी उसका करीब लगभग 200-300 मीटर नीचे चली गई और उसका राजा शांतनु अपनी रानी सत्यवती के साथ नौका विहार के अवशेष मिले वहाँ पर। इसी किले के अंदर हमको ये कुछ एक मुखी शिवलिंग भी मिले जो यहाँ पर मौजूद जो हमारे संग्रहालय में हमने उसको रख दिया है और वो प्रदर्शित कर दिए गए हैं। और उसी ईंटों के बारे में शासन को बरामद नहीं हो पाई क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय लोग थे और हमने उनको बंद भी किया था। बंद करने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो सही सही जवाब नहीं दे पाए और गोल हो गई। इस तरह के वहाँ वो मिले और राजा शांतनु का नगर महाभारत कालीन राजा शांतनु से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा ये किला रहा होगा, लेकिन वर्तमान में अभी उसके केवल अवशेष ही दिखाई देते हैं। यानी ये माना जा सकता है कि उनके पुत्र दुष्यंत और शकुंतला, हाँ उनका कहीं यही आसपास ही कहीं रहा होगा जी, चंबल। ये बिल्कुल निश्चित है, ये महाभारत कालीन साइट तो है ही पूरा मुरैना। जी इसमें जैसे उधर गुहद है, बरहद है, बछड़ों की हद है, गोवत गऊ की हद है ना, या गोरमी जो जहाँ गऊ रुकती थी गोरमी, इस तरह का एक यहाँ पर कुतवार है, जो कुतवार में जो है का मायका था, उसमें कर्ण का वर्क प्लेस था। तो वहीं पर जब कर्ण को बहारने के बाद कुंती रोई तो एक ग्रहरुआ गांव है, जो ग्रहरुआ गांव पे ही उसका नाम पड़ा, ग्रहरुआ ग्रह में रोई। हाँ तो इस तरह का एक पूरा ये महाभारतकालीन शायद तो है ही है। अब इसमें जो है जैसे दुष्यंत के पुत्र थे भरत जी, जिनके नाम पर इस देश का नाम है भारत, हाँ यानी भारत भी यहीं पे पैदा हुए, यहीं पर सिंहों के साथ खेलते थे, ये माना जाए। हाँ ये मतलब इस तरह का एक पूरा भारतकालीन से जुड़ा हुआ कहानी है और इसमें इस तरह का उल्लेख मिलता है, और जब आगे इसकी खोज की जाएगी तो निश्चित रूप से इस तरह के। अच्छा इसमें ये त्रेता कालीन कुछ प्रतिमाएं हैं कुंतलपुर में ही है, जहाँ महर्षि दुर्वासा ऋषि का तपस्थली है, हाँ वहाँ पर महर्षि दुर्वासा जी की भी प्रतिमा है, हाँ और साथ में जो शिव शिव परिवार है और शिवलिंग है, ये त्रेता कालीन है, दुर्वासा जी का वो है तपस्थली है। हाँ तो अभी
कुछ समाचार पत्रों पढ़ने को आया था कि कलेक्टर साहब ने उसके लिए संरक्षण के लिए कुछ धनराशि करीबन 1 करोड़ रुपया के लगभग अभी एस्टीमेट भेजा है इस मामले में, कुछ एस्टीमेट भेजा है क्योंकि ये क्षेत्र तो काफ़ी पुरातत्व के मामले में, प्राण प्राचीन स्थलों के मामले में रिच एरिया रहा है, तो इसके लिए अभी हमारे जिले के कलेक्टर महोदय काफ़ी उत्साहित हैं और उस समय समय पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं और इस तरह का काम किया जा रहा है। इसमें जो है जैसे तोमर राजवंश का है और इधर का क्षेत्र सिकरवार क्षेत्र राजवंश का है, उधर जादौनों का है, तो मुरैना जिला इधर इतने क्षेत्र बढ़ जाता है, तो इसमें तोमर राजवंश की जो शुरुआत हुई है ये महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर से, तो उस संबंध में बताया जा रहा है कि अपना जिला पुरातत्व संग्रहालय जो है काफ़ी कुछ कर रहा है और ये राम प्रसाद संग्रहालय में अभी हम महाराजा वीरमदेव के एक वो देख करके भी आए हैं, तो ऐसा घड़ी का चित्र भी लगा, तो इस संबंध में जो है अपना संग्रहालय इनके संरक्षण के प्रति ये ध्वस्त होती जा रही है। जैसे महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर का स्मारक का छतरी थी यहाँ पर, वो उनका वो हुआ था दाह संस्कार वगैरह, वो तो ध्वस्त हो गई चंबल की बाढ़ में कभी बहुत पहले 300-400 साल पहले वो हो चुकी थी, परंतु अब जो बचा खुचा है तो इसके संरक्षण के लिए जैसे ऐसा घड़ी दुर्ग है या भगेश्वरी मंदिर है, तो इनके लिए अपने संग्रहालय की ओर से या शासन की ओर से कुछ ऐसी योजना है कि इनका संरक्षण किया जाएगा? ऐसा कौंवर राजवंश का एक बहुत अच्छा स्तर है, यहाँ पर जब कौंवर दिल्ली से आए तो या उनके भांजों को पहले ये शासन दिया आए थे पृथ्वीराज चौहान को, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की नियत खराब हो गई तो कौंवर फिर दोबारा से गए तो उनको वहाँ से हटा दिया गया और तब ये यहाँ पर ऐसा में आए और ऐसा में उन्होंने अपना बहुत अच्छा किला बनाया था, उसके अवशेष अभी शेष है और उसको अवशेष के रूप में जो उसका एक वो है फोटोग्राफ को हमने अपने ये संग्रहालय में प्रदर्शित किया है और वो देखने को मिलता है। इस पर अभी जिला प्रशासन की ओर से अभी इस स्थान को एक उत्कृष्ट रूप देने के लिए यहाँ पर वहाँ की कुछ ज़मीन को वहाँ गार्डन और उसके नियोजित ढंग से उसको बनाने के लिए जो अपना ऐशा के तोमर राज उनका एक कार्यपत्र वाला क्षेत्र रहा है उसको हम काफ़ी अच्छा ढंग से उसको उसका वहाँ प्रदर्शित करेंगे और इससे कि यहाँ के जो राजवंश रहा है तोमर राज में उसका एक अच्छे रूप में उसको जाना जा सके, जिसपे भुवेश्वरी देवी चंबल के किनारे बिल्कुल बनी हुई है और यहाँ वहाँ पर जो है भुवेश्वरी देवी का पूरा संरक्षित कर उसको